ओके गुड इवनिंग एवरीवन आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट uh, डे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट किया था आई टोल्ड यू व्हाट इज अकाउंटिंग बेसिकली इसमें रिकॉर्डिंग होता है हिसाब रखते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का ट्रांजेक्शन उनको बोला जाता है जो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज होता है राइट right? एंड इवेंट्स इसको बोला जाता है रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस को जैसे कि प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक दिस टू आर द परफेक्ट एग्जांपल उन्हीं एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे जो इस अकाउंटिंग पीरियड को परटेन करता है राइट एंड अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना और नेटवर्थ निकालना प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा और नेटवर्थ हमारा बैलेंस शीट से आता है जो भी इंफॉर्मेशन हमने जनरेट किया उसको हम कम्युनिकेट करेंगे स्टेक होल्डर्स को एंड स्टेक होल्डर डिसाइड करेगा कि उसको हमारे साथ एसोसिएटेड रहना है कि नहीं अगर ट्रांजैक्शन बहुत कम है दो तीन ट्रांजैक्शन है तो प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बट हम लोगों को मालूम है हजारों ट्रांजैक्शंस होंगे राइट तो रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस है दैट प्रोसेस वी विल लर्न टुडे हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड उसके बाद हमने डिफरेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझा था एसेट्स क्या होते हैं लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम एसेट मतलब बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड राइट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन बेनिफिट डिराइव कर लिया बट हमने पैसे नहीं भरे इनकम जितना भी सर्विस हम प्रोवाइड कर देते हैं हमको पैसा मिलेगा तो दैट्स इनकम फॉर मी एंड एक्सपेंस मतलब बेनिफिट डिराइव्ड जो सर्विस हम बेनिफिट जिस सर्विस या बेनिफिट हम रिसीव कर चुके हैं राइट तो काफी सारे एग्जाम्पल वी है मैंने बताया कि अकाउंटिंग एक फ्रेमवर्क में होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं काफी सारा प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस कर चुका है सेपरेट एंटिटीज वन ऑफ देम अकाउंटिंग ट्रेड कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट बाटर सिस्टम इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन क्योंकि की यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज वर्थ राइट मनीज वर्थ में बाटर स्कीम आता है ऑनेस्टी इंटीग्रिटी स्किल टैलेंट ये सब मेजरेबल नहीं है ब्रांड नेम ह्यूम राइट अक्रूवल बेसिस ऑलरेडी जब टर्मिनोलॉजी हम लोग समझा था उसी समय समझ लिया था बेसिस में जितना पे करेंगे वही खर्चा जितना रिसीव करेंगे वही इनकम है कॉस्ट राइट right? जो ओरिजिनल कॉस्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट उसी में हम लोग आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेस इफ एनी मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन सब चीजों से मतलब हमको नहीं है मैचिंग प्रिंसिपल समझाया था सारा खर्चा को रेवेन्यू के साथ मैच करके दिखाना है जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उसको यूनिट से मैच करना है जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है उसको टाइम के साथ मैच करेंगे राइट right? तो रेंट एक्सपेंस बारह महीने का लेंगे और जो फर्नीचर है पांच साल यूज करेंगे तो उसका खर्चा को पांच साल तोड़ तोड़ के स्प्रेड करेंगे राइट right? हम लोग देख लिया था प्रॉफिट कैसे आ रहा है देन वी डिड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यहीं से हम लोग का अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो डेवलप हुआ है राइट right? हर एक रिसीविंग एस्पेक्ट के पीछे गिविंग एस्पेक्ट होता है रिसोर्स के पीछे सोर्स होता है वॉट यू आर गेटिंग इन द बिजनेस कोई ना कोई तो दिया होगा या आपने अपना ही रिसोर्स यूज करके दूसरा रिसोर्स खरीदा ऐसा भी हो सकता है राइट right? तो काफी सारा ट्रांजेक्शन वी हैव सीन एंड वी हैव पुट इन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एसे और अल्टीमेटली आप लोग देखें जैसे जैसे हम इसमें बैठाते जा रहे हैं राइट कैश इंट्रोड्यूस बाई द ओनर देन बैंक लोन लिया हमने फर्नीचर खरीदा राइट right? ये इक्वेशन में हम बैठा रहे हैं इक्वेशन का दोनों साइड इक्वल हो रहा है Right? हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बोथ साइड विल बी इक्वल राइट सारा ट्रांजेक्शन को अपने बैठाए अल्टीमेटली वी डिराइव दिस रूल ये रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज मॉडर्न अप्रोच ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है जिसको काफी सारे बुक्स में अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है एसेट एक्सपेंस डेबिट लाइवलिटी इनकम क्रेडिट क्लियर तो हमने सात ट्रांजैक्शन कल किया था उसी का अपने अब पूरा प्रोसेस समझेंगे ये तो एस्पेक्ट इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती है राइट ये डुएल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये रूल्स को बनाया गया है रूल्स को डेवलप किया गया है राइट तो ये अमेरिकन अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच है एक और भी अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच जहां पे हम लोग आइटम्स को पर्सनल पर्सनल रियल रियल में क्लासिफाई करते हैं गोल्डन रूल्स होता है, राइट अकाउंट 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 का का अकॉर्डिंगली वी को जब, करेंगे, तो personal, real, फिर जब बनाएंगे तो एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी एनी अगर आप रिकॉर्डिंग करते वक्त ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त आपको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना ही पड़ेगा तो स्टार्टिंग से क्यों ना मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें तो एक्सपेंस इनकम डेबिट सॉरी एक्सपेंस एसेट डेबिट लाइबिलिटी इनकम क्रेडिट राइट ये इक्वेशन से हमने ये डेवलप किया है तो अभी रिकॉर्डिंग का पूरा प्रोसेस क्या ये समझना पड़ेगा ठीक है ना तो सबसे पहले इसको अपने अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। काउंटिंग प्रोसेस मतलब हाउ डेटा इज कन्वर्टेड इंटू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यह हम लोगों को समझना है ना वॉट इज डेटा

रिसीविंग एस्पेक्ट इक्वल्स टू गिविंग एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट उसके बाद जितना भी आइटम्स हैं उन सबका एक लेजर अकाउंट बनता है कैश का अलग बैंक का अलग फर्नीचर का अलग परचेज का अलग सेल का अलग सारा प्लस 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 माइनस माइनस करने के बाद नेट बैलेंस निकाला जाता है तो बेसिकली जब आप लेजर बनाएंगे एक्सपेंस इनकम का ईयरली टोटल आएगा परचेस 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 टोटल परचेस सेल 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 टोटल सेल रेंट 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 टोटल रेंट राइट एक्सपेंस और इनकम का ईयरली टोटल आएगा एसेट एंड लाइबिलिटी में ईयर एंड बैलेंस आएगा क्योंकि इसमें पैसा आता जाता है राइट right? हमेशा याद रखना जितना भी एक्सपेंस इनकम नेचर का होगा उसका टोटल आएगा और एसेट लाइबिलिटी का ईयर एंड बैलेंस आएगा लेजर अकाउंट बना लिया हम लोग लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस ये जो ट्रायल बैलेंस बनता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए राइट ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं हम लोग सबसे पहला बात ये जितने भी लेजर अकाउंट्स है ना ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली इट्स स्टेटमेंट जहां पे सारा लेजर अकाउंट्स लिखा जाता है अलोंग अलॉन्ग बैलेंसेस जैसे एक्सपेंस और एसेट का कौन सा बैलेंस होगा लाइबिलिटी इनकम का समझ गया तो ये टोटल मैच करना चाहिए अगर ये टोटल मैच करता है इसका मतलब क्या है वट डज इट मीन इसका मतलब यह है कि जर्नल से आपने लेजर पोस्टिंग सही किया है कि नहीं बेसिकली इसको बनाने का मकसद है टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इसको बनाने का मकसद ही यही है टू चेक एरिथमेटिकल अक्योरेसी कि जर्नल से आपने लेजर सही बनाया है कि नहीं उसके बाद आप सीधा फाइनल अकाउंट बनाइए ऐसे नहीं बीच में एडजस्टमेंट एंट्री आएगा काफी सारा आइटम्स ऐसा होगा जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं होगा जैसे क्लोजिंग स्टॉक आप चाहकर भी इसको ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट नहीं कर सकते यू हैव टू वेट फॉर ईयर टू एंड आउटस्टैंडिंग कितना है प्रीपेड कितना है डेप्रिशिएशन कितना देना है ये सब कितना डेप्रीशियशन बेसिकली अपन स्प्रेड कर रहे हैं उसको लाइफ में बट वियर एंड टीयर भी हो सकता है कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया तो पुराना प्लांट एंड अब कोई काम का नहीं है तो पूरा का पूरा एसेट को अपने को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा तो काफी सारा आइटम्स ऐसा है जिसके लिए अपन को ईयर एंड होने का वेट करना पड़ता है तो ये सारे आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड येट क्लियर तो सबसे पहले क्या करना है हमको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बेसिकली ये इवेंट्स ये वाला हो गया ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर माई डेटा अकाउंटिंग डेटा रिसीविंग गिविंग डेबिट क्रेडिट अपने जनरल में करेंगे राइट right? उसके बाद अपन लेजर अकाउंट बनाएंगे जितना भी आइटम्स इन्वॉल्व है सबका अलग अलग खाता खुलेगा तो एक्सपेंस इनकम का टोटल आता है पूरे साल का और का एंड बैलेंस आएगा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा जाएगा तो नेट बैलेंस उसके बाद अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जितना भी हमारे पास लेजर अकाउंट है उसकी मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और टोटल मैच होना चाहिए इट इज प्रिपेयर जस्ट टू चेक एरिमेटिकल एक्यूरेसी कि इस जर्नल से लेजर पोस्टिंग सही हुआ है कि नहीं क्योंकि काफी सारी गलत हालांकि आजकल तो कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में अकाउंटिंग होता है तो लेजर पोस्टिंग में जनरली कोई गलती होती नहीं है राइट इन टूडेज सेरा थिंग्स आर हैपनिंग इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सो वंस यू डू दिस जर्नल एंट्रीज ऑटोमेटिकली लेजर भी बन जाता है ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट भी बन जाता है मैनुअल अकाउंटिंग में ये सब चीज अपन को बनाना पड़ता है कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में खाली जनरल एंट्री करो पीएल बैलेंस शीट छप के निकलेगा क्योंकि लेजर अकाउंट में होगा कि एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी और सॉफ्टवेयर को मालूम है एक्सपेंस इनकम को पीएल में लेना एसेट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में लेना है उसी हिसाब से वो मैप करके रखता है सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन किया हुआ रहता है उसमें राइट right? तो जितना भी ट्रांजेक्शन जनरल करूंगा हर ट्रांजेक्शन में रिसीविंग गिविंग 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 रिसीविंग 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 करने के बाद जितना भी आइटम्स होगा सबका अलग 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 खाता खुलेगा डेबिट 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 प्लस 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 क्रेडिट 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 उसी हिसाब से प्लस माइनस करके सबका बैलेंस आ जाएगा तो एक्सपेंस इनकम का ईयरली टोटल आएगा एसेट लेबिटी का ईयर एंड बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जस्ट उसका टोटल चेक करेंगे मैच होना चाहिए ट्रायल बैलेंस खाली एरिचमेटिकल एक्यूरेसी के लिए नहीं किया जाता ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना भी इजी हो जाता है ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना भी इजी हो जाता है इसीलिए इसको किया जाता है और एडजस्टमेंट एंट्री मतलब इवेंट्स ईयर एंड का वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही कुछ कुछ आइटम्स के बारे में मालूम चलता है एंड उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड आइटम्स हैं, इनकी समरी बन चुकी है और जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो अनरिकॉर्डेड है क्यों अनरिकॉर्डेड है क्योंकि अभी तक ईयर एंड हुआ है ये सब आइटम्स ईयर एंड के बाद ही मालूम चलता है इज इट ओके एवरी वी हैव टू वेट फॉर द इंड एंड देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दीज आइटम्स चलिए। so, ये पूरा समझ में आया सबको? उट दीज आइटम्स क्लियर चलिए तो लास्ट हमने जो क्वेश्चन लिया था बहुत सिंपल क्वेश्चन था उसी का अपन पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले बात करते जर्नल का it is the book of original entry where transactions are recorded as and when it occurs matlab receiving aspect and giving aspect that's it ठीक है तो इसके फॉर्मेट बहुत सिंपल है इन द बुक्स ऑफ बिजनेस मैन की बिजनेस द बुक्स ऑफ बिजनेस क्या करना अपन को जनरल एंट्रीज ठीक है यहां डेट होता है पर्टिकुलर्स एल एफ एल एफ मतलब लेजर फोलियो नंबर जितने भी आइटम्स होंगे हर लेजर लेजर इज अ हार्ड बाउंड बुक कॉपी की तरह होता है जितना भी नंबर होगा मतलब उस नंबर पेज में जाएंगे उस किताब का तो वहां पे आपको वो लेजर मिल जाएगा राइट डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, सिंपल है तो डेट हमारे क्वेश्चन में है नहीं क्लियर सबसे पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस में पैसा आया है तो व्हाट इज द रिसीविंग एस्पेक्ट कैश डेबिट होगा एंड हैज गिवन सो कैपिटल लाइबिलिटी आया ना तो अपन कैसे जनरल एंट्री लिखते हैं कैश डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड टू कैपिटल मतलब कैपिटल इज क्रेडिट समझ गया ना मेरा बात ट्वेंटी थाउजेंड सिंपल है बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस कंप्लीट पहला ये रिसीविंग एस्पेक्ट हो गया और ये गिविंग एस्पेक्ट खत्म नेक्स्ट बैंक लोन लिया सो अगेन व्हाट इज रिसीविंग एस्पेक्ट अगेन कैश डेबिट सोर्स बैंक लोन टू लोन फ्रॉम बैंक बैंक लोन भी लिख सकते हैं की बात है कितना फोर्टी फोर्टी पिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक डन नाउ नेक्स्ट फर्नीचर खरीदा है सो so फर्नीचर आप कंप्यूटर मर्चेंट थे शायद राइट तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स नहीं है आप उसको यूज करके कमाएंगे राइट तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया मोर देन वन ईयर एसेट क्या होगा बोलो फर्नीचर व्हाट व्हाट आर यू गेटिंग फर्नीचर एंड कोई दे रहा है कि आप अपना ही रिसोर्स यूज कर रहे हैं सो so, नीचर एसेट डेबिट कितना टेन थाउजेंड और कैश ऑलरेडी कैश क्या एसेट है एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है देखो रूल पहले बता दिया मैंने एसेट इंक्रीज तो डेबिट डिक्रीज क्रेडिट राइट यहां पे गिविंग एस्पेक्ट कैश है इज इट फाइन एवरी वन किसी का कोई डाउट है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो गुड्स खरीदा है हमने राइट right? तो अब हम लोग इसको परचेज बोल के बोलेंगे इन्वेंट्री नहीं क्या बोलेंगे इसको परचेज और जब बेचेंगे तो सेल ठीक है क्योंकि हाथों हाथ बेचते वक्त हिसाब रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसे जब खरीदते जाओगे तो परचेस में डालते चलो और बेचते जाओगे तो सेल में डालते चलो फिर लास्ट में अपन क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर देख लेंगे ठीक है रिसीव गुड्स जिसको अपन परचेज से डिनोट कर रहे हैं परचेज एक्सपेंस होता है वैसे भी डेबिट एंड वॉट इज अ गिविंग एस्पेक्ट कैश ंग गुड्स मतलब जिसको मैंने बेचने के लिए खरीदा है परचेस्ड नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग सिक्स थाउजेंड से मतलब नहीं कितना में बेचा हैव यू रिसीव्ड कैश एसेट ग्यारह हजार और गुड्स आपने दे दिया ना उसको सीधा सेल्स में डाल दो इनकम Double entry bookkeeping being डन नेक्स्ट सैलरी दी हजार रुपया और फिर एप्रीशिएशन एक हजार ठीक है ना सैलरी एक्सपेंस है मेरा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश एक हजार बींग सैलरीज पेड इन कैश अभी हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे उसको मैं एडजस्टमेंट में ले लूंगा तो उसका इफेक्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा हो गया सारा जनरल एंट्री इट्स डन नाउ अब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे लेजर बनाना है ना लेजर फोलियो नंबर ठीक है कैश एक नंबर पेज में है कैपिटल दो नंबर पेज में अगेन कैश ऑलरेडी नंबर वन है वो लोन फ्रॉम बैंक तीन फर्नीचर चार कैश अगेन वन परचेज फाइव कैश वन कैश वन, कैश वन सेल सिक्स सात लेजर बनाना है हमको कितना लेजर बनाना है हमको सात तो मैं तो सारा नहीं बनाऊंगा मैं खाली कैश बनाऊंगा तो बाकी सब में ज्यादा कुछ है नहीं एक एक ही है ठीक है डन सात नंबरिंग कर दिया हमने सब आपने प्लस टू में पढ़ा है जस्ट आपके बुक में दिया हुआ है बोल के अपन कर रहे हैं इसको व टू प्रिपेर लेजर नाउ सो लेजर क्या होता है लेजर इज अडब बुक वेर ईच एंड एवरी पेज इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल आइटम या अकाउंट जो भी तो हर पन्ने में जैसे कैश में अपन दो तीन पन्ना छोड़ देते हैं उसके बाद पांच छह पन्ने के बाद से अपने फिर दूसरा एकर लेजर को देंगे ठीक है ना तो ये टी फॉर्मेट में बनाया जाता है जैसे मैं खाली कैश बनवाऊंगा राइट डेबिट क्रेडिट यहां पे डेट कॉलम होता है अमाउंट कॉलम होता है ठीक है ना ओके एक जनरल फोलियो बोल के भी कॉलम होता है यहां पे पतला सा यहां पे अपन ये मेंशन करते हैं कि कौन से जनरल पेज में वो जर्नल एंट्री है डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो रुपीस डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो रूपीज राइट लेजर पोस्टिंग बहुत सिंपल है कैश अकाउंट डेबिट मतलब इट विल कम ऑन द डेबिट साइट बाई गिविंग रेफरेंस ऑफ द्रेडिट आइटम एकदम फंडा सिंपल क्लियर है तो पहला में कैश डेबिट बीस हजार देखो बीस हजार डेबिट साइड में आया रेफरेंस अपन कैपिटल अकाउंट का दे देंगे उसके बाद अगेन कैश डेबिट हो रहा है चालीस हजार से रेफरेंस अपन क्रेडिट का देंगे क्रेडिट वॉज लोन फ्रॉम बैंक राइट अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे रेफरेंस डेबिट का देंगे बाय फर्नीचर फिर अगेन कैश क्रेडिट हो रहा है। रेफरेंस डेबिट का देंगे अगेन कैश डेबिट हो रहा है। डेबिट रहा है मतलब डेबिट साइड क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड झमेला ही नहीं है टू बाई का रेफरेंस ऑपोजिट का देते हैं टू सेल्स अगेन हजार से कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में रेफरेंस डेबिट का सिंपल फंड लेजर पोस्टिंग है अब अगर लेजर का डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस ही आएगा पैसा ज्यादा है तो इनफ्लो ज्यादा हुआ क्या आउटफ्लो ज्यादा हुआ इनफ्लो ही अपन लिखते हैं उसको क्रेडिट साइड में कैरिट डाउन करके अल्टीमेटली ब्रॉड डाउन तो होता है ना वो तो टोटल कौन सा हायर है कैश का हमेशा का डेबिट साइड ही हायर होगा हा? कैसे पता चला कैश हमेशा डेबिट हायर होगा कैश कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है और तुम खर्चा कर दिए ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी प्लस ग्यारह सेवेंटी वन इज द टोटल अब इधर में है ट्वेंटी वन तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन इसका मतलब कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं है डेबिट साइड हायर है बोल के इसको अपन क्रेडिट में लिखे सो दैट बोथ साइड्स बिकम इक्वल अल्टीमेटली अपन ये वाला बैलेंस देखेंगे Two balance brought down 50. This is what is more important. Got What is important ye wala balance. This balance is important. So this is how a ledger posting is balanced. Ledger account is balanced after doing the posting. तो कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा तो सारा इनफ्लो आउटफ्लो आ गया तो नेट में इनफ्लो ज्यादा है नेट में इनफ्लो ज्यादा है ठीक है तो अपन क्रेडिट साइड में लिख के उसको बैलेंस कर दिया इसी तरीके से बाकी सब बनाना है अपने बनाएंगे नहीं टाइम वेस्टेज है अब अपन सीधा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे Then, shall we move ahead? It is a statement. which contains list of all ledger accounts along with their balances it is prepared to check Arithmetical accuracy whether from the journal ledger posting has been done correctly or not. राइट लेजर पोस्टिंग सही तरीके से किया हुआ है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लियर आपका लेजर पोस्टिंग क्योंकि यहां पे एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ कमीशन मतलब जैसे कैश डेबिट था मैं अगर कैश को डेबिट नहीं करके मैं अगर कैश को क्रेडिट कर दूं तो बैलेंस गलत आ जाएगा ना मैंने कैश को डेबिट किया बीस हजार से लेकिन मैं एक जीरो लिखना कम भूल गया या किसी अकाउंट को डेबिट करना था दूसरे अकाउंट में जाके पोस्टिंग कर दिया इसको बोलते एरर ऑफ कमीशन एक हर ट्रांजेक्शन दो लेजर में पोस्ट हो रहा है जैसे कैश डेबिट हो रहा है वैसे ही कैपिटल क्रेडिट भी हो रहा है एक में किया दूसरे में नहीं किया हालांकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में दिस इज नेक्स्ट टू इम्पोसिबल ऐसी गलती नहीं होती है राइट right? एनी वे ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लिया जाता है फर्दर ट्रायल बैलेंस ऑल्सो हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट राइट सो अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कुछ नहीं है बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है अलग अलग मेथड से बनता है लेकिन अपने नेट मेथड फॉलो करेंगे और एग्जाम में अगर फाइनल अकाउंट आएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस दे देगा बोलेगा फाइनल अकाउंट बनाइए राइट हुँ? हाँ होता है अपने फॉर्मेट में माथा मत लगाओ कैश फिफ्टी थाउजेंड आएगा कैपिटल क्रेडिट ही आएगा ट्वेंटी थाउजेंड उसमें खाली एक ही आइटम था क्रेडिट हुआ है वही बैलेंस आ जाएगा डेबिट में लिखेंगे कैडिट डाउन अल्टीमेटली ब्रॉड डाउन क्रेडिट में ही आएगा लोन फ्रॉम बैंक फर्नीचर एसेट डेबिट परचेस सेल्स सेवेंटी वन सेवेंटी वन ठीक है मेरा लेजर पोस्टिंग सही हुआ है माई लेजर पोस्टिंग इज ओके नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत ही नहीं है इसका डेबिट जितना भी देखो आप क्लासिफाई करो ये एसेट है देखो डेबिट बैलेंस ही आया कैपिटल लाइबिलिटी है देखो क्रेडिट बैलेंस आया है ये भी लाइबिलिटी है देखो क्रेडिट बैलेंस आया फर्नीचर एसेट है देखो डेबिट बैलेंस ही आया परचेज एक्सपेंस है सेल्स इनकम सैलरी एक्सपेंस ठीक है income, ना तो ये जितना भी आइटम्स आप देख हैं ये सारे के सारे क्या है रिकॉर्डेड आइटम्स क्योंकि ये सारा हादसा ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ है ऑल दिस हैव हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है फिर ऑल दिस द ईयर नो प्रॉब्लम इनको रिकॉर्डेड आइटम्स बोलेंगे अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट जिसको हम लोग इवेंट्स भी बोलते हैं सबसे पहला डेप्रिशिएशन एक हजार देना है तो ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड येट सो डेप्रीशिएशन दिखाने से होगा क्या एक्सपेंस दिखाएंगे डेप्रीशियेशन और बेनिफिट येट टू बी डिराइव कम हो जाएगा ना एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएशन का एक्सपेंस बेनिफिट डिराइव इन एन अकाउंटिंग पीरियड तो ये हमारा एक्सपेंस आएगा हा? और एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे अनएक्सपायर्ड बेनिफिट कम हो जाएगा बेनिफिट येट टू बी डिराइव कम हो जाएगा क्योंकि इतना तो आपने डिराइव कर लिया अब येट टू बी डिराइव किस दिए वैल्यू डिक्रीज होगा इसका दो इफेक्ट आएगा तो जितना भी नॉट रिकॉर्डेड ये थे, इसको अगर अपन इफेक्ट देंगे तो हाउ मेनी इफेक्ट टू इफेक्ट और ऊपर में जितने हैं कितना इफेक्ट आएगा एक इफेक्ट एक और इवेंट बताओ क्लोजिंग स्टॉक वेरी गुड चार हजार का क्लोजिंग स्टॉक बच गए हमारे पास सर यहां तो आपको कॉस्ट का डिटेल मालूम है बट कई बार आपको कॉस्ट का डिटेल मालूम नहीं रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक होता है फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब मैं गोडाउन में गया फिजिकली काउंट कर लिया इतना माल मेरे पास बचा हुआ है इनटू कॉस्ट प्राइस और परपेक्ल में अपन स्टोर लेजर बनाते हैं क्या बनाते हैं स्टोर लेजर जहां पे लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज एवरी डे कितना माल आया कितना माल गया उसका हिसाब बैलेंस कितना बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आराम से आ जाएगा या तो फिजिकल काउंटिंग करके निकाल लीजिए या हिसाब रख रहे हैं गुड्स का गुड्स का इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स स्टोर लेजर तो वहां से भी आ जाएगा तो मेरा मुद्दा यह है ये वाले रिकॉर्डेड आइटम्स हैं इसका इफेक्ट कितना आएगा वन इफेक्ट और ये अनरिकॉर्डेड है अभी तक नॉट रिकॉर्डेड इसका टू इफेक्ट सिंपल है बहुत लोग क्या करते हैं ये दोनों जर्नल एंट्री को पहले रिकॉर्ड करता है रिकॉर्ड करने के बाद वापस से ट्रायल बैलेंस बनाता है फिर फाइनल अकाउंट बनाना होता माथा माथापोड़ी नहीं करने का है सीधा फाइनल अकाउंट बनाते वक्त टू इफेक्ट दिखा देंगे टू इफेक्ट वन इफेक्ट इज इट ओके एकदम सिंपल है तो ये recorded items है, ये not recorded है क्यों नॉट रिकॉर्डेड है Why these are not recorded yet? Year में 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 मालूम चलेगा. Closing stock बीच में मालूम चलेगा चलेगा बीच कैसे होगा ना outstanding तो सब एंड में आएगा अभी मान लो इस महीना जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है बाय द एंड ऑफ द ईयर तो वो पे हो जाएगा तो एंड में वापस से निकालना ठीक है ना चलो तो अब अपन को फाइनल अकाउंट बनाने का है हाँ है ना क्या बनाना है हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है सो so, फाइनल अकाउंट का मैं एक रफ फॉर्मेट दे रहा हूं पीएल हालांकि ट्रेडिंग वन सब बनता है लेकिन मैं रफ दे रहा हूं एक बार और इधर में हमारा बैलेंस शीट ठीक है अच्छा ये फॉर द ईयर होता है ये एज ऑन होगा ये पूरे साल का क्योंकि एक्सपेंस इनकम पूरे साल का है ना और ये एज ऑन ठीक है अच्छा पीएल में ना हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं राइट और बैलेंस शीट में ये हमारा लाइबिलिटीज हो गया रुपीस ये हमारा एसेट्स हो गया रुपीस इधर में हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस बस इतना याद रखना डेबिट मतलब एक्सपेंस आएगा सारा इधर इनकम आएगा सारा भूलना नहीं मैं अभी ट्रेडिंग पीएल में बाइफार्केट नहीं कर रहा सिंपल फंडा लगा रहा अब अपन करेंगे मैच दी फॉलोइंग मैं कोई मार्शलिंग भी फॉलो नहीं कर रहा अभी आई एम नॉट फॉलोइंग एनी मार्शलिंग ऑल्सो मैं सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं राइट right? हम लोग जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे कंपनी लॉ में पूरा फॉर्मेट दिया अपने को उसी फॉर्मेट के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट बनाना है ठीक है ना सबसे पहला आइटम क्या है हमारा कैश कैश एसेट है कि एक्सपेंस है तो मैच दी फॉलोइंग किधर आएगा एक दो तीन चार घर बना हुआ है एसेट में आएगा सोचने का ही नहीं है कितना पचास हजार मैं मार्शलिंग नहीं फॉलो कर रहा अभी सिंपल बना रहा हूं नेक्स्ट कैपिटल क्या है लाइबिलिटी है कैपिटल को मैं इनर कॉलम में रखा क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा भी जुड़ेगा इसमें नेक्स्ट लोन फ्रॉम बैंक ठीक है नेक्स्ट है फर्नीचर एसेट होगा उसको इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं डेप्रिशिएशन है, depreciation है. नेक्स्ट परचेज हमारा एक्सपेंस है कितना दस हजार सेल्स हमारा इनकम है ग्यारह हजार एंड देन एक्सपेंस है ना सैलरी लाइबिलिटी कैसे हो सकता है पहला बात तो देखो डेबिट में दिया डेबिट मतलब एसेट या एक्सपेंस होगा क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी इनकम होगा ठीक है अब सबसे पहले डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन क्या है एक्सपेंस है ना तो पहले उसको एक्सपेंस में दिखाओ अब इसके कारण क्या होगा वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होगा तो यहां से लेस डेप्रिशिएशन हजार कर देंगे तो बाहर में नौ हजार आ गया देखो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अल्टीमेटली ये बैलेंस शीट में पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाई देगा क्लोजिंग स्टॉक क्या है एसेट हा है ना लेकिन ये किसके साथ एडजस्ट होगा परचेस के साथ कल तो हमने देखो मैचिंग प्रिंसिपल में आपको बताया भी था ये देखिए दस हजार का परचेज से हजार क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हुआ था तब जाके हमारा नेट परचेज आया था एडजस्टेड परचेज है ना हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट है अब परचेज से लेस करने के बजाय अपने ऑपोजिट साइड में दिखा देते हैं एक ही बात है अल्टीमेटली ये यह यहां से लेस हो जाएगा अच्छा पीएल में जितना भी आइटम लिखेंगे टू करके लिखेंगे और इनकम में बाई एवरीशन यूज करते हैं तो देखो डेप्रीशिएशन का दो इफेक्ट आ गया एक्सपेंस है वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होगा क्लोजिंग स्टॉक एसेट है परचेज एडजस्ट होगा डन और तो कुछ नहीं है कि कुछ है नहीं है ना बताओ प्रॉफिट कितना इनकम ज्यादा है ना देख लो पंद्रह हजार का टोटल आ रहा है इधर भी पंद्रह हजार जो ज्यादा टोटल है वो लिखेंगे तो प्रॉफिट तीन हजार आ गया हाँ ना प्रॉफिट तीन हजार आ गया ना पंद्रह टोटल है मैक्सिमम इसका हकदार कौन है एड प्रॉफिट तीन तेईस हजार आया देखो अकाउंटिंग इक्वेशन Accounting equation देखो अब देखो वहां पे डायरेक्टली अपने एडजस्ट करे थे बट ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हजारों ट्रांजैक्शन होगा माल बेचो हिसाब बाद में धंधा ही नहीं कर पाओगे तो फिर हिसाब क्या चीज का क्लियर huh? तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं बट आगे जाके आप लोग देखेंगे थोड़ा और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके बेसिस पे हम लोगों को करना है जैसे प्रॉपर मार्शलिंग होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा राइट right? तो स्ट्रक्चर को फॉर्मेट फॉलो करके अपन को बनाना है नाउ एक दो और बच गया है ऐसे अगर मैं बात करूं प्रूडेंस प्रिंसिपल का राइट इफ आई टॉक अबाउट प्रूडेंस प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है वी एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉस बट डू नॉट Anticipate for future gains. We anticipate for future loss, but do not anticipate for future gains. कोई अगर मेरे को पूछेगा ना प्रूडेंस का दो एग्जाम्पल दो तो मैं उसको बताऊंगा. Number one, closing stock is valued at. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर ये पूरा प्रिंसिपल प्रूडेंस पे बेस्ड है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ये पूरा प्रूडेंस पे बेस्ड है प्रूडेंस पे टिका हुआ है ये और एक तो आप सभी को मालूम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हमारे पास डेटर्स हैं वो डेटर से अगर पैसा मिलने की आशा कम होती जाएगी तो उसको अपने डाउटफुल डेट्स बोलेंगे उस नुकसान को आज ही दिखाएंगे राइट right? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझना उतना जरूरी नहीं है जितना जितना सम, समझना जरूरी है ए ये क्लोजिंग स्टॉक वाला चीज ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे इसकी कॉस्ट कितनी है चार हजार सपोज करो इसकी मार्केट प्राइस चार हजार पांच सौ होती और एक बच्चा मुझको बोलता कि सर मैं चार हजार पांच सौ पे दिखाऊंगा वो कह रहा है मेरे को कि मैं क्लोजिंग स्टॉक चार हजार पांच सौ पे दिखाऊंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा जैसे ही तुम चार हजार पांच सौ पे दिखाओगे तुम्हारा प्रॉफिट साढ़े तीन हजार हो जाएगा देख लो वो जीत करने लगा बोला मैं क्लोजिंग स्टॉक मेरा मेरा चीज का दाम साढ़े चार हजार है मैं साढ़े चार हजार में दिखाऊंगा पहला बात तो तुमने हिस्टोरिकल कॉस्ट का उल्लंघन कर दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता ना कॉस्ट पे दिखाओ लेकिन तुम मार्केट प्राइस पे दिखा रहे हो तुमने हिस्टोरिकल कॉस्ट का उल्लंघन कर दिया पहला बात मैं बोला चलो ठीक है तुम मार्केट प्राइस पे दिखाओ मार्केट प्राइस पे दिखाने से हुआ क्या प्रॉफिट 500 से बढ़ गया कहने का मतलब है इस प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी आ गया जो अभी तक कमाया ही नहीं है स्टॉक तो पड़ा हुआ है हाँ अगर ये बिक गया होता ये सेल्स में होता तो बात अलग थी कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है फ्यूचर प्रॉफिट को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए डू नॉट एंटीसिपेट तो ये गलत है ये गलत है ना हा है ना अल्टीमेटली हमको करना क्या चाहिए हमको क्या करना चाहिए बोलो इसको चार हजार पे दिखाना चाहिए यस और नो इसका मतलब ये सही है तो आपने क्या लिया लोअर ले लिया ना सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस अब उल्टा देखो अब मान लो इसकी कॉस्ट चार हजार है मार्केट प्राइस छत्तीस सौ है तो क्या बोलता है फ्यूचर लॉस दिखाना चाहिए तो हिसाब से इसको 3600 पे लेना चाहिए तो प्रॉफिट 400 से कम हो जाएगा अलाउड है ये यह। यहां पे स्टॉक भी कम हो जाएगा कैपिटल भी कम हो जाएगा टोटल भी कम हो जाएगा तो अगेन वी आर टेकिंग लोअर तो सर अगेन कॉस्ट कॉन्सेप्ट वायलेट हो गया तो मैं क्या बोला था कुछ कुछ प्रिंसिपल दो दो प्रिंसिपल कई बार आप देखेंगे हाथ मिला के चल रहा है अक्रूवल और मैचिंग लेकिन प्रूडेंस और कॉस्ट कॉन्सेप्ट अलग अलग दिशा में जा रहा है पॉइंट धीरे धीरे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि फेयर वैल्यू आते ही उसका कोई मत, मतलब ही नहीं होगा हर चीज फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे हम लोग राइट right? के लिए। तो ये एक मेरे को बताना था आपको प्रूडेंस वाला चीज अभी हम लोग क्या करेंगे आपका इंस्टीट्यूट का बुक एक बार देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है पूरा टॉपिक जस्ट आई विल शो यू दैट ठीक है ना एक बार पीएल देख लो अच्छे से आप लोग का टास्क होगा चैप्टर वन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है इसमें जो भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मेरे को बतानी है मैं बता दूंगा अभी अच्छे से आप लोग पढ़ के आएंगे इसको देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग मैंने डिस्कस कर दिया है आपके सामने राइट right? ऑब्जेक्टिव भी बता दिया अल्टीमेटली हमको पीएल और बैलेंस शीट बनाना है बुक कीपिंग इज ओनली अप टू ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग एक ब्रॉडर वर्जन है बुक कीपिंग से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताया गोल्डन रूल बेसिकली लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहे हैं राइट ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू पर्सनल रियल नॉमिनल जितने भी प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस होते हैं ना वो सब रियल में आएंगे एक्सपेंस इनकम रिलेटेड सारे के सारे नॉमिनल में आएंगे और पर्सनल में बेसिकली यू विल हैव राम श्याम नेचुरल पर्सन ओनर विच इज कैपिटल अकाउंट ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो ओनर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आउटस्टैंडिंग रेंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट बिकॉज वो लैंडलॉर्ड का अकाउंट रिप्रेजेंट करता है राइट, right? सो so, इसमें नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कोई कंपनी हो गया आर्टिफिशियल पर्सन एनपीआरपीएपी नेचुरल पर्सन नाम श्याम सीता गीता रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल ओनर का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रॉइंग्स भी ओनर का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट लैंडलॉर्ड का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है राइट प्रीपेड सैलरी एम्प्लॉय का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्राइवेट लिमिटेड वाई प्राइवेट लिमिटेड डीज आर आर्टिफिशियल पर्सन रियल अकाउंट में प्रॉपर्टीज एंड पोजिशन आएंगे नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसि इनकम आएगा तो इसका गोल्डन रूल क्या है फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर फॉर रियल अकाउंट Debit what comes in, credit what goes out. And for nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. राइट right. ये सब चीज हमने डिस्कस किया है लेट्स लेट्स गो थ्रू वंस फास्ट मैंने आपको बताया था ना जब आप धंधा करते हैं तो अलग अलग टाइप का एंटिटी होता है सोल प्रोप्राइटर मतलब हाउ मेनी ओनर वन ओनर टू और मोर कंपनी राइट right? कंपनी का कॉरपोरेशन मतलब कंपनी एक्चुअली कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप अकाउंटिंग करने के लिए सेपरेट माना जाता है राइट सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप अकाउंटिंग करने के लिए सेपरेट माना जाता है बट कंपनी इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी राइट आपने कंपनी लॉ में पढ़ा भी होगा कंपनी एन आर्टिफिशियल बॉडी क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट गट माइ पॉइंट लीगली ऑल्सो दे आर सेपरेट यहां पे टैक्स कौन पेमेंट करेगा टैक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विल बी पेड बाई ओनर तो यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए अलग अलग है यहां पे टैक्स ऑफ कॉरपोरेशन इज पेड बाय कॉरपोरेशन तो एक कॉरपोरेशन का खर्चा माना जाता है राइट ऑपरेटिव में ओनर्स नहीं होते मेंबर्स होते हैं राइट right? फ्रेंचाइजी ले लिया मैंने किसी का एक बड़ी कंपनी ने अपना अपना आउटलेट्स खोल दिया फ्रेंचाइज दे दिया है क्लियर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ हैं आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये सब आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है राइट right? पूरा यहां पे समझाया हुआ है आपको खाली जस्ट गो थ्रू करना है वंस मैंने सब चीज बता दी आपको आर्ट क्लासिफाइंग जो आइटम्स एसेट है लाइबिलिटी है इनकम है लेजर अकाउंट बना के समराइज करते हैं देखो ट्रांजैक्शन इवेंट्स फाइनेंशियल कैरेक्टर मनी मेजरमेंट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजिशन राइट आई ए एक बॉडी है जो यूएस में सीए का कोर्स कराती है उसको सीपीए सी पी बोलते सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स राइट देखो मैंने बताया था लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आप जस्ट रीड करेंगे ना आपको एकदम आपको समझ में आएगा इट इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियल कैरेक्टर इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर को सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट जिसे कि कोई भी आदमी इस डाटा पे रिलाई कर सके आगे जाके आप लोग देखेंगे इन सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वेरिफिकेशन भी करवाया जाता है चार्टेड अकाउंटेंट से उसको अपने ऑडिटिंग बोलते हैं रिलायबिलिटी इतना आसानी से नहीं आएगा रिलायबिलिटी इतनी आसानी से नहीं आएगी राइट तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट निकालना पीएल बनाना बेसिकली बैलेंस शीट बनाना इंफॉर्मेशन uh, देना यूजर्स को जिससे कि लोग डिसीजन ले सके सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना जिससे कि रिलायबिलिटी बढ़ सके और रिलायबिलिटी को और बढ़ाने के लिए ऑडिट करवाइए क्योंकि पैसा कोई और लगा रहा है कंपनी के केस में तो ऐसा ही होता है ना पैसा कोई और लगाता है चलाता कोई और है पैसा कोई और लगाता है चलाता कोई और है क्लियर देखिए वही सब लिखा है असटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट ठीक है बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है राइट यहां पे ट्रायल बैलेंस तक ही होता है आगे कुछ नहीं बोला है तो बुक कीपिंग में बोल सकता हूं इट्स अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्ड कीपिंग देखो, यहां से जो आउटपुट आएगा वो अकाउंटिंग के लिए इनपुट बनता है राइट right? पूरा अकाउंटिंग साइकिल बताया हुआ मैंने समझा दिया आपको ट्रांजैक्शंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्री फिर देखो मैंने बताया था ना कई बार एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है राइट right? एंड उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो वही लिखा है एक्सपेंस इनकम नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस इनकम होता है एक्सपेंस इनकम बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग पीएल बताऊंगा आपको राइट right? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको बता दिया है ट्रांजेक्शन किसको बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेस फॉर अ कंसिडरेशन राइट परचेज ऑफ गुड्स इवेंट रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन गुड्स सर्विसेज जिसमें आप डील करते हैं दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है रेंट का पेमेंट आप हर साल करते हैं कि कई सालों में एक बार करते हैं हर साल हर महीना करते हैं लेकिन फर्नीचर आप सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा मतलब जिससे बेनिफिट विल बी डिराइव फॉर मोर देन वेरी गुड बेनिफिट विल बी डिराइव मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जैसे बस का भाड़ा वो टिकट का अगले दिन काम आएगा नहीं आता राइट तो यहां पे बेनिफिट इन एन अकाउंटिंग पीरियड यहां पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस मालूम है इनकम स्टेटमेंट ट्रेड डिस्काउंट जब बल्क में आप खरीदते हैं ना आपने बारह नींबू खरीदा या सपोज मान लो आप सब्जी खरीदते हो चार सौ पांच सौ का सब्जी खरीद लिया दो नींबू भैया दे दीजिए धनिया पत्ता दे ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रेड डिस्काउंट दो तरीके से होता है या तो दाम कम करा लो या कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट इधर रेट डिस्काउंट रेट रिडक्शन और गेट एक्स्ट्रा क्वांटिटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते जो नेट परचेज वैल्यू है उतने पे ही आएगा नेट 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 परचेज वैल्यू ऑब्लिक सेल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम पेमेंट के लिए राइट right? किस दिन के अंदर पैसा दे पांच परसेंट का डिस्काउंट दूंगा मैं तुमको तो उस लालच में जल्दी पैसा देगा डेटर को पाल के रखना अच्छा बात नहीं है डेटर कौन होता है जिसको आप उधार में सामान बेचे जिससे आपने खरीदा वो भी आपको ये लालच देगा तो जब आपको पैसा लेना होता है लेना डेटर से लेना होता है तो उसको आप डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, जिससे लेना है तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया और एक आप जब पैसा देते हैं जल्दी डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स जिसको देना है पैसा तो ये इनकम हो गया ठीक है बैलेंस शीट मैंने आपको बताई दिया एसेट क्या होता है राइट अनएक्सपायर्ड बेनिफिट काफी सारा मीनिंग है बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड Right. राइट फर्नीचर आपका टेंजिबल एसेट होता है जिसको आप टच फील कर सकते हैं लेकिन काफी सारा इनटेंजिबल एसेट होता है जैसे फॉर्मूला रॉयल्टी के, के केस में बताया था ना ट्रेडमार्क्स राइट कॉपीराइट्स ये सब हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है अब एसेट्स को भी आप अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं करंट एसेट नॉन करेंट एसेट करंट एसेट वो एसेट होता है जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीना के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे स्टॉप डेटर स्टॉक वाला दो कदम दूर है पहले बिकेगा फिर पैसा आएगा राइट <laughs> right? तो पहले करंट एसेट समझो अगर वो करंट एसेट नहीं है तो वो नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट में बेसिकली फिक्स एसेट जिसको आजकल हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से बोलते हैं पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ठीक है क्लियर सो so करेंट एसेट कौन सा होता है इफ इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ दी फॉलोइंग कंडीशन

तो आइटम जो सात महीना के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपका करेंट एसेट है कई बार ऐसा भी होगा कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में तेरह महीना लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं वो भी करेंट एसेट ही माना जाएगा ट्वेल्व मंथ्स और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल होता है बिजनेस का साइकिल जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा इससे आपने फिनिश गुड्स बनाया फिर आपने फिनिश गुड्स बेचा फिर आपने कैश रियलाइज किया फिर वापस से खरीदेंगे तो जो कैश आउट से कैश इन का जो साइकिल है इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है ऑपरेशन से रिलेटेड है ना बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड है मैंने पैसा लगाया कितने दिनों बाद वो पैसा वापस निखर कर आ रहा है ये हम लोग जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के जो पेपर है उसमें सीखेंगे तो या तो बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उतना दिन के अंदर में में कैश कन्वर्ट हो जाए जनरली ये मेरा ट्रेडिंग आइटम्स है मतलब इसी में मैं डील करता हूं या बारह महीना के अंदर कन्वर्ट हो जाए आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट ठीक है और नॉन करेंट एसेट मैंने पहले ही बता दिया जो करेंट एसेट नहीं है ठीक है इन्वेस्टमेंट्स भी दो तरह के होते हैं एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म करंट मतलब शॉर्ट टर्म मतलब विद इन ट्वेल्व मंथ्स मैं इनको बेच दूंगा लॉन्ग टर्म मोटिव नहीं है मेरा इसको पालने का राइट right? डेटर जिसको मैंने उधार में बेचा है अब इसमें से काफी सारे डेटर अच्छे डेटर हो सकते हैं डाउटफुल हो सकते हैं बैड भी हो सकते हैं जो बैड है उसको राइट ऑफ करेंगे और जो डाउटफुल है उस पर वेरी गुड प्रोविजन क्रिएट करेंगे जो बैड है उसको हटा देंगे बुक से पाल के रखना नहीं चाहिए बैंकिंग बैंकिंग लोन होता है ना बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो आपके लिए लाइबिलिटी है लेकिन बैंक के लिए वो डेटर है आप बैंक के लिए डेटर हैं मैंने बैंक से लोन लिया मैं बैंक के लिए डेटर हूं तो अगर मैं लोन ठीक ठाक दे रहा हूं तो मैं गुड गुड डेटर हूं अगर मैं इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल नहीं दे रहा टाइम से तो मैं बैड डेप्स हो जाऊंगा या डाउटफुल हो जाऊंगा कुछ दिनों तक मैं डाउटफुल रहूंगा उसके बाद मैं बैड हो जाऊंगा वो आरबीआई का नॉर्म्स है राइट जैसे कंपनी का अकाउंटिंग करने के लिए कंपनी लॉ होता है वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आरबीआई का गाइडलाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ठीक है फिटिशियस एसेट्स ये सब आपको मालूम होना चाहिए जस्ट रीड करेंगे राइट right? ऐसा कोई लॉस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डेफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट वेस्टिंग एसेट्स मतलब कोल माइंस, मिनरल ओर्स जहां एक्सट्रैक्ट करते हैं खोद खोद के खोद खोद के सोना निकाल दिया धीरे धीरे वेस्ट होता जाता है माइंस, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं राइट तो वेस्टिंग एसेट्स आपके लिए एसेट है पर धीरे धीरे वो डिप्लीट होता है एग्जॉस्ट लाइबिलिटी के बारे में क्या बोलू मैं आपको राइट करंट लाइबिलिटी आपको मालूम है जैसे करंट एसेट विद इन ट्वेल्व मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल नॉन मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है कंटिंजेंट लाइबिलिटी जिसकी होने और ना होने की संभावना किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करती हो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो एक चीज याद रखेगा र नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि आगे जाके काम आने वाला है तो बैलेंस शीट के बाद एक फुट नोट होता है ओनली डिस्कलोजर इज गिवेन नीचे खाली बता देंगे इतना रुपया का हमारा कंटिजेंट लाइबिलिटी है कैपिटल ड्रॉइंग्स नेटवर्थ क्रेडिटर यह सबके बारे में बताने का कोई दरकार नहीं है छोटा छोटा आदमी लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जहां पे बेसिकली ये कुछ नहीं बनाता मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा और डेटर केटर का हिसाब रखूंगा डबल एंट्री मतलब सारा ट्रांजेक्शन को डिटेल में रिकॉर्ड करना लेकिन यहां पे वैसा नहीं होता जस्ट गो थ्रू वंस यू विल अंडरस्टैंड डबल एंट्री बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स डेवलप किया हमने राइट देखिए एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स वन पार्टी गिविंग द बेनिफिट अनदर वन रिसीविंग राइट एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लीजिएगा सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा राइट सब चीज का हिसाब मेंटेन हो रहा है वगैरह, एरर मिनिमाइज होगा एरर्स को आप चेक कर सकते हैं राइट तो पूरा एडवांटेजेस दिया जस्ट गो थ्रू वंस नाउ डबल एंट्री सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है एरर ऑफ कमीशन लेकिन आप अगर कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में काम करें तो दिस कैन बी मिटिगेटेड राइट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने सारा ही बता दिया ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल देख लो जस्ट गो थ्रू वंस गोल्डन रूल भी बता दिया है जर्नल का एडवांटेज डिसएडवांटेज फॉर्मेट्स वगैरह दिया है नाउ दिस इज सब डिविजन ऑफ जर्नल राइट ठीक है अपने थोड़ा सा बाकी है इसको अपने नेक्स्ट डे दे देख लेंगे फिर एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर यहां तक आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा सब डिविजन ऑफ पहले तक आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा इसका कोई भी डाउट्स होगा तो अपने नेक्स्ट डे ले लेंगे बाय